हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश हुए स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबका दिन शुभ व मंगलमय हो। दोस्तों, बज चुके हैं सुबह 6:30 बजे और रात को क्लिनिक से लेट आ जाता है। 9:30 या 10 बजे तक तो क्लिनिक से आता हूँ, फिर डिनर करता हूँ, बस सोते सोते 12 बज जाते हैं। तो परसों ऑलरेडी मैं रात को सोया नहीं था क्योंकि कई बार गए हुए थे और लेट नाइट हम घर पहुंचे थे। इस वजह से परसों की नींद थी, इस वजह से मैं 6:30 बजे आज उठ पाया हूँ। अदरवाइज कभी अनदर डे तो मैं 5:30 बजे या मैक्सिमम 6 बजे तक तो उठ ही जाता हूँ। तो गाइज, अभी उठा हूँ, अभी नहा धो के फ्रेश होके फिर क्लिनिक चलेंगे और क्लिनिक फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के आप भी, फिलहाल तो मैं नींद में हूँ, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाऊँगा। तो जल्दी से जल्दी नहा धोकर क्लिनिक पहुँचते हैं और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। हाय गाइस, अभी हो चुका हूँ मैं रेडी और अभी रेडी होकर निकल रहा हूँ अपनी क्लिनिक की साइड। सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने चाय और ब्रेड्स मैंने ले लिए हैं और अभी निकलूँगा क्लिनिक की तरफ। और मम्मी मेरे से काम कर रही हैं घर का, दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो गाइस, मम्मी सुबह सुबह कामों में लग जाती हैं ना, सुबह उठते ही मम्मी को काम करने होते हैं। तो गाइस, अभी है ना समीक्षा अपने घर पे गई हुई है, समीक्षा यहाँ नहीं है फिलहाल ना, अपने मायके गई हुई है। तो आज समीक्षा को भी लेने जाना है मेरे को, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले जैसे ओपीडी देख लें, फिर ओपीडी देखने के बाद समीक्षा को लेने चलें, क्यों सही रहेगा आप लोगों के हिसाब से? जैसे मान लो तकरीबन हम बैठते हैं 1 बजे तक, हम ओपीडी देख लेते हैं, 1 बजे के बाद हम जैसे निकलते हैं, तो 1 बजे बाद भी हम निकलेंगे या 1 बजे भी निकलेंगे तो 4 या 5 बजे तक हम लंच टाइम में ही वापिस आ जाएंगे, ओपीडी का भी नुकसान नहीं होगा। तो यही मैंने सोचा है कि है ना, आके दोबारा कपड़े वपड़े चेंज करके और लंच करके फिर मैं समीक्षा को लेने घर पे निकल लूँगा। तो आप लोग भी बताना कि ये ठीक रहेगा या नहीं, या सीधा पहले ही समीक्षा को लेने जाऊँ, बाद में फिर पेशेंट्स देखने बैठूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ये चीज़ें। तो ये लगा लो आज का दिन तो पूरा भाग दौड़ भरा रहने वाला है। ठीक है, एक मेरा फ्रेंड्स है सन्नी कुंडिया, तो उनके घर उन्होंने ना एक्चुअली एक नई शॉप की है, तो उस शॉप का आज हवन है, तो उस हवन पे भी उन्होंने इनवाइट कर रखा है। उन्होंने भी ये कह रखा है, डॉक्टर साहब 9:30 बजे तक आप जरूर पहुंचना, और पिछले 3 दिन से लगातार फ़ोन कर रहा है, डॉक्टर साहब याद है भूल तो नहीं गए हो, डॉक्टर साहब याद है भूल तो नहीं गए हो। तो वहाँ पर भी जाना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो पहले मान यही करता हूँ, पहले सन्नी के पास ही निकल लूँगा, अभी क्लिनिक पर बैठ के 2 घंटे, और 2 घंटे क्लिनिक पे बैठ के फिर सन्नी के पास निकल लेंगे। सन्नी से आके फिर 1-2 घंटा फिर क्लिनिक पे बैठ के फिर निकलते हैं हम सीधा अपनी नौनी को लेने, नौनी के घर पे। तो दिमाग बिना मन नहीं लगता, अब ना दिमाग से 1 दिन भी दूर हो जाता है तो ये लगता है पूरा घर खाली खाली सा रहता है, शौर्य से कुल चला जाता है, और दिमाग से वैसे घर पे नहीं होता तब तो ये लगा लो बोरिंग डे हो जाता, पूरा मन ही नहीं लगता, ये लगता कि भाई मां बिना सब कुछ खाली 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 खाली। तो गाइस, अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहुँचते हैं, सीधा क्लिनिक पे मिलते हैं और क्लिनिक पर मिलके आप लोगों से बात करता हूँ, क्लिनिक पर पहुँच कर आप लोगों से बात करता हूँ। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, थैंक यू। हाय गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ क्लिनिक पर और क्लिनिक पहुँच चुका हूँ। अभी बज चुके हैं लगभग 7:30 बजे, आज मैं 7:30 बजे क्लिनिक पर आ चुका हूँ, और पूरी तरह 7:30 भी नहीं, 7:15 ही मान लो, 7:15 बजे क्लिनिक पर मैं आ चुका हूँ। और अभी 7:15 से लेकिन 9:30 बजे तक पेशेंट देखेंगे, और फिर 9:30 बजे मेरे को एक हवन पे निकलना है सन्नी कुंडिया जी के, फिर हवन पे निकलने के बाद फिर क्लिनिक पे आना है, क्लिनिक से निकल कर फिर मेरे को एक बार मार्केट जाना है। मार्केट में मेरे को एक्चुअली मैकबुक की नीड है, मेरे को ना एक एप्पल स्टोर पर जाना, वहाँ पर मैकबुक देखेंगे। सचिन कह रहा था एडिटिंग के लिए, सर मैकबुक ले लो, मैकबुक में जो एडिटिंग होगी ना वो कहीं पे भी नहीं होगी, तो इसलिए एक बार मैकबुक देखने जाएंगे। फिर क्लिनिक आके फिर 2 बजे फ्री होंगे हम, 2 बजे फिर दोबारा से रेडी होके नहा धो के और
एक्चुअली एक बार पहले बियर्ड भी सेट करवानी पड़ेंगी, दाढ़ियाँ दाढ़ी सेट करवा के, हेयर कटिंग करवा के और फिर ना धो के फिर समीक्षा को लेने चलेंगे। तब तक शौर्य भी स्कूल से आलेगा, अभी वो स्कूल गया हुआ है तो स्पेशली बोल के गया हुआ था, तू मेरे से पीछे से मत चले जाना, मेरे को बता के जाना, कभी आप अकेले अकेले चले जाओ मैं साथ में चलूँगा, मेरे को बता के जाना। तो अगर उसको नहीं लेके गया तो बहुत नाराज़ हो जाएगा गाय वो, तो उसको भी लेके जाऊंगा साथ में और तब फिर हिमांश को खिलाएंगे और फिर समीक्षा को लेके पहले हम जाएंगे आईएमटी में, आईएमटी में वहाँ पे रील बनाएंगे, वीडियो शूट करेंगे। आज शूट है हमारा, कई दिन हो गए वैसे भी शूट किए तो आज सोच तो रहे हैं रेडी तो होंगे ही, तो आज ये शूट भी कर लेंगे। फिर शूट करके फिर शाम को ये मान लो आप तकरीबन 6-6:30 बजे तक हम यहाँ पहुँचेंगे और फिर अपना क्लिनिक पे 9 बजे तक क्लिनिक बैठ के, फिर रात को घर, रात को डिनर और फिर सोना, फिर स्लीप। तो ये मेरा आज का पूरे दिन का शेड्यूल रहेगा। तो पूरे दिन में जो जो एक्टिविटीज होंगी वो आप लोगों को मैं दिखाता रहूँगा। तो अब है ना एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ कि ना साइड बाय साइड जैसे अपने है ना डेली व्लॉग डालने स्टार्ट कर दूँ। डेली व्लॉग में ये सोच रहा हूँ मैं कि ना एक तो मैं कुछ ऐसी चीज़ डालूँ अपने क्लिनिक से रिलेटेड जिससे आप लोगों को हेल्प मिले, जैसे किसी भी बीमारी पर टॉपिक या किसी पेशेंट को लाइव दिखाना, ठीक है, कोई पेशेंट जिस भी तरह का आता और मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ उस तरह को दिखाने की जो चीज़ होगी उनको दिखा के उसका ट्रीटमेंट करना, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले, आप लोगों का भी भाई मन हो वीडियो देखने का। हाँ, हर घर में बच्चे होते हैं और सभी बच्चों में खांसी जुकाम बुखार ये नॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं कि हर महीने या 1.5 महीने में जल्दी जल्दी बच्चे बीमार होने लगते हैं। तो पेशेंट आते रहते हैं कि भाई 15 दिन पहले दवाई ले गए थे, फिर हो गए, वहाँ से दवाई ले ली, वहाँ से ले ली, बार बार में बच्चा, तो वो बार बार बच्चा बीमारी इसलिए होता है कि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो इम्यूनिटी पावर जिस बच्चे की वीक होती है वो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में दिखाया करूँगा। अभी तो आप बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट लेके आया करूँगा जिससे आप लोगों को घरेलू नुस्खे भी सीखने को मिलेंगे कि हाँ एट ए टाइम जैसे भाई रात के 12:30-1 बजे हुए हैं और जब किसी का बच्चा रोने लगता है तो इस वजह से रो सकता है, बुखार भी नहीं लग रहा उसको तो फिर भी क्यों रह रहा है, पेट में गैस है, एसिडिटी है, क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिला करेंगी। तो दोस्तों इस टाइम पे मेरे को आपके सहयोग और योगदान की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सभी फ्रेंड्स मेरे जितने भी मेरे करीबी मेरे जितने भी दिल के करीब लोग हैं जितना भी हो सके उतना सपोर्ट किया करो। आपका एक लाइक से ना कुछ नहीं जाना फ्रेंड्स, आपका 1 सेकंड भी नहीं लगती एक लाइक में, और वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी। मेरे को तो जो चीज़ें पता है वो मेरे में जो नॉलेज है वो तो है ही, जो चीज़ें आप लोगों के समक्ष में लेके आऊँगा वो आप लोगों के भी हित में होंगी। तो आपका एक योगदान मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जितनी ये वीडियो हमारी आगे जाएंगी उतना ही लोगों को देखने को मिलेंगी, लोगों को सीखने को मिलेगा। तो जितना हो सके मैक्सिमम प्लीज़ उतना सपोर्ट किया करो। तो गाइस अभी जैसे आया ही हूँ मैं बैठा हूँ, तो अभी मैं आपको आज के जो पेशेंट्स देखूँगा वो भी आपको आज दिखाता रहूँगा साथ के साथ ना, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आज आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही प्यारे प्यारी चीज़ें आज जो भी एक्टिविटीज होती हैं बहुत ही अच्छी अच्छी होंगी सारी। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स आपका कीमती समय देने के लिए, ऐसे ही बने रहो मेरे साथ। हाय गाइस, ये मेरा फ्रेंड है सन्नी खुंडिया जी, बहुत ही परम मित्र है मेरे और उन्होंने एक दुकान की है, तो उसका आज अमन हो रहा था और उसके अमन पर हम आए थे। तो अमन पे जाना मेरे को बहुत 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 ही अच्छा लगता है, कहीं पर भी अमन हो मैं छोड़ता नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, ना बुलाए तब भी जाता हूँ। और यहाँ पर इन्होंने मेरे को ना पिछले एक हफ्ते से फ़ोन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब पक्का आना, कभी भूल जाओ, बोलना मत, तो यहाँ तो आना बनता ही था। तो इन्होंने ना एक्चुअली इसका काम किया है, वैसे तो ये प्रोफेशन से तो डॉक्टर ये वो है कैमरामैन है, शादियों में विवाह में वीडियो फोटोज का काम करते हैं, बट साथ साथ इन्होंने प्रिंटिंग का काम और शुरू कर दिया है। कोई भी प्रिंटिंग का काम जैसे अपने भी देख रहे हो कि आप चाय के कप हैं प्यारे प्यारे, ये बोटल हैं अपनी, की रिंग हैं, तो टी शर्ट्स पर कोई नाम फोटो लगवाना है, पिल्लो तकिए चद्दर और कोई भी किसी भी तरह का फ़ोटो फ्रेम या हर तरह का कस्टमाइज काम कर दिया इन्होंने बहुत ही अच्छा। तो मैंने भी इनसे ना 3-4 चीज़ें बनवा चुका हूँ ऑलरेडी, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, साथ
साफ दिल के इंसान है, बिल्कुल कोई मन निकाला नहीं। तो अभी हवन से फ्री हो चुके हैं हम लोग, हवन करके अभी फ्री हुए हैं जस्ट। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और बहुत ही मन को शांति और सुकून मिला। हवन में जाना जितना अच्छा मेरे को लगता है, शायद किसी को लगता होगा। और वही बात है, भगवान की प्रे करके किसको खुशी नहीं मिलती। ये हमारे पंडित जी हैं, बहुत ही अच्छे पंडित और बहुत ही विद्वान हैं ये। तो बहुत ही अच्छे से आरंभ करवाया और बहुत ही अच्छे से खत्म करवाया हवन का। तो हवन अब से फ्री होकर ये चीज़ें दिखा देता हूँ आप लोगों को ना, जो जो इन्होंने बनानी शुरू की अभी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे चाय के कप हो गए, पानी की बोतल हो गई, पिल्लो हो गए, चद्दर हो गई, टी शर्ट्स हो गई, केयरिंग हो गई, फोटो फ्रेम हो गई, हर तरह के काम इन्होंने शुरू किए हैं। तो तो गाइस अभी मैं क्लिनिक से घर पे आया हूँ और 1:30 बज चुका है, और अभी मैं रेडी होने के लिए आया हूँ कपड़े चेंज करके, और फिर चलेंगे समीक्षा को लेने। और एक आप लोगों के लिए सरप्राइज है, मैंने ना मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा एक कंटेंट आया है, क्यों ना समीक्षा के साथ प्रैंक किया जाए। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पिछली बार उन्होंने मेरे साथ एक प्रैंक किया था, मेरे को खाना वाना खिला के मेरा पेट भर के और गोलगप्पों का चैलेंज किया था, और फिर गोलगप्पे का चैलेंज खुद जीत गई थी। तो मैंने उसी दिन बोला था कि एक है ना, मैं भी अपने तरीके से इस चीज़ का है ना बदला लूँगा एक अलग अंदाज में। तो क्लिनिक पे बैठा था, ऐसे बैठे बैठे है ना एक मस्त सा कंटेंट ध्यान में आ गया। तो आज वो प्रैंक करते हैं समीक्षा के साथ। अंदर से मालूम था तू लाइफ में मैं कुछ करेगा। तो आप लोगों को तब तक मैं रेडी हो लेता हूँ, और फिर आप लोगों को सरप्राइज वो प्लान बताता हूँ अपना, क्या प्लान है और किस तरह से समीक्षा के साथ हम प्रैंक करेंगे। तो गाइस बने रहना, बहुत ही मजा आएगा। तो बाय।